हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सबका वेलकम करता हूं एकेडमी 123 पर। रोजाना की तरह आज भी एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आया हूं, जिसमें हमें बात करनी है कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन पर है। और ये वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ कहा गया है कि करंट थ्रू, है ना, करंट थ्रू शोन इन फिगर। तो अगर आप ऊपर देखेंगे तो इन द सर्किट, है ना, एक मिनट, यहाँ पर दिखाया गया है ना। तो ये ऑप्शन से और चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो ऊपर की सर्किट को एनालिसिस करने के बाद आपको निकालना है कि इसमें कितनी करंट है, इसमें कितनी है, इसमें कितनी है, है ना। इन सब में करंट निकालनी होती है। तो ये जो चीज़ कैसे होगी, ये सारी चीज़ अपन आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब तो ये वीडियो आपके लिए जरूर और ज़रूर इंपॉर्टेंट होने वाला। चलिए बात को आगे शुरू करते हैं, है ना। बट इसको शुरू करने से पहले मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर अभी एक बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है ना, दिसंबर ऑफर। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। और यहाँ पर UCL अनअकैडमी चैंपियन लीग है ना, जो कि दिसंबर 26 को होने वाली है 1 बजे के बाद। तो है ना, आप श्याम भाटिया फिजिक्स कोड डाल के इसको ज्वाइन कर ही लीजिएगा, है ना। ये एक टाइप का टेस्ट है, अगर अच्छा मार्क्स आएगा तो आपको आगे प्रोसेसिंग मिल जाएगी। दूसरी चीज़ जो आ रही है आपके सामने, अनअकैडमी चैंपियन लीग के द्वारा मेगा प्राइज विन होगा। मेगा प्राइज क्या हो जाएगा, विन हो जाएगा। और उसमें है ना 60 पार्टिसिपेंट गेट द 1000 AGV, है ना, और 13 पार्टिसिपेंट ये। और ये सब कैसे होगा, लकी ड्रा से। कोड कौन सा यूज़ करना है, श्याम भाटिया फिजिक्स इन्वाइटिंग कोड यूज़ कर लेना है आपको, ठीक है। और ITJEE का दिसंबर ऑफर जो चल रहा है वो 6 मंथ का अगर आप लोग बाय करेंगे तो 1 मंथ का फ्री मिल जाएगा, मतलब एक्सटेंशन मिल जाएगा। और अगर 1.5 साल का यानी 18 मंथ का अगर बाय करोगे आप लोग, है ना, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, तो आपको 2 मंथ का एक्सटेंशन मिल जाएगा। ये सब्सक्राइब ये 20 है ना 2 दिसंबर तक वैलिड है ना, मतलब वेद। और उसके बाद एज बैच जो चल रही है 11 के लिए, ये एक टाइप की रिविजन बैच रहती है ना, ये 22 को स्टार्ट हो रही है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इसमें अनअकैडमी के टॉप क्लास के एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे। स्ट्राइकर बैच जो है ना, इसमें भी आप देख सकते हो कि 22 दिसंबर से ये स्टार्ट होने वाली है ना। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट इसको भी ज्वाइन कर ले, ऐसा ही एक्सीलेंस बैच है। फिर आप नीचे देखेंगे कि टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो गई है ना, और ये 25 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है, जो कि 2 बजे से 5 बजे के बीच में होगी, है ना। इंटरेस्टेड कैंडिडेट इसको भी ज्वाइन करें जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, श्याम भाटिया फिजिक्स कोड डालकर, ठीक है। और ये है ना बूट कैंप का आप देख ही रहे हैं, तो ये एक टाइप से है। तो चलो ठीक है, तो इतनी बातें थी, अब अपन मुद्दे पर आ जाते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आ रहा है कि इसमें से करंट निकालनी, तो एसी कंडीशन में कैसे करंट निकलेगी, है ना, एसी कंडीशन में कैसे करंट निकलेगी, तो उसको ध्यान में रखना। देखो, सबसे पहले तो यहाँ से निकलने वाली करंट निकालो, उसके बाद ही मामला होगा। ये 4 ओम कैसा है, इसके साथ सीरीज में है, ये तीनों कैसे हो गए, है ना, सीरीज में हो गए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, है ना, सीरीज बोलेंगे हम इसको, क्या बोलेंगे, सीरीज बोलेंगे, 2 + 4 + 2। तो ये कितना हो गया, आर इक्विवेलेंट तो नहीं, इसको एक काम करो R1 बोल दो सिंपल, है ना, इसको आप क्या बोल दो, R1 बोल दो सिंपल। ये वाला कितना आ जाएगा, R1 जो आ रहा है आपके पास कितना आ जाएगा, 4 + 6 = 8 हो जाएगा ना टोटल, हाँ, तो 8 लिख दो। ये जब 8 आ जाएगा आपके पास, तो ये आ गया 8 ओम आ गया, ठीक है। ये 8 ओम इसके साथ कैसा है, 8 के साथ पैरेलल, वेरी गुड। तो ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल है, हाँ। तो पैरेलल है, तो पैरेलल का रिजल्ट कैसे निकालते हैं, R' 8 × 8 / बोलो 8 + 8, तो कितना हो गया, 64/16, 16 × 64, तो ये कितना हो गया, 4 ओम हो गया। यस, इसको हटा के अब आप क्या कर सकते हो, 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हो। कितने ओम का, 4 ओम का रेजिस्टेंस लगाया, ये 4 ओम, ये इसके साथ कैसा, ये इसके साथ कितना हो गया, 6, और ये वाला कितना हो गया, 2। तो ये 4 + 2 + 6 = 8 हो गया। फिर ये कितने हो गए, सीरीज में हो गए फिर भी, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, सीरीज में, तो 8 अगेन 8 के साथ कैसा है, पैरेलल। तो फिर अगेन रिजल्ट कैसा निकलेगा, है ना, अभी हल वही निकलेगा, अभी हल तो निकला बार बार क्या, अरे वापस 8 × 8/ कितना हो जाएगा, 8 + कितना हो जाएगा, 8, तो ये 64/16, तो ये भी अगेन 4 ओम आ गया इसका, इन सब का रिजल्टेंट कितना आ गया, 4 ओम आ गया। ये 4 + ये कितना हो जाएगा, 7 + 2 कितना हो गया, 9, तो आर इक्विलेंट, है ना, अब कितना आ गया, 9 ओम आ गया, आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, 9 ओम। और ये बैटरी भी कितनी दे रखी है, 9 वोल्ट की दे रखी है ना। तो बैटरी से अब करंट कितनी रिलीज हो रही है वो निकालना है अपन को, है ना, बैटरी से करंट कितनी रिलीज हो रही है वो निकालना। तो कैसे निकालेंगे हम, देखो, तो V भी कितना आया, 9 वोल्ट आया, आर इक्विवेलेंट भी कितना आ गया,
9 वोल्ट आ गया तो बाकी कंडीशन तो समझ में आ गई आपको, है ना। बाकी कंडीशन कैसे, कौन सा कलर ब्लैक ले रहे हो, है ना। तो V इज इक्वल टू आप लिखेंगे IR, V कितना है 9 इक्वल टू 9 I, तो I कितना हो गया 1 एम्पियर आया, है ना। ये आपके पास आ गया, चलो अब ऊपर चलते हैं, है ना। यहाँ से 1 एम्पियर की करंट रिलीज हो रही है, अब वो यहाँ पर आई तो यहाँ पर उसको दो पाथ मिले, लेकिन यहाँ ध्यान रखो ये आधी आधी बटेगी। क्यों बटेगी, क्योंकि इनका इक्विवेलेंट कितना आ रहा था, ये बहुत जमेला हो गया, मैं इसको हटा देता हूँ, है ना, क्लीन कर देते थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, है ना। उसको आपको पोज करके निकालना है उसको, देखो है ना कहानी कैसी बनेगी। अब यहाँ से कितना आ रहा था, 1 एम्पियर करंट आ रही थी, 1 एम्पियर यहाँ पे आई तो इधर कितनी जाएगी 0.5 एम्पियर जाएगी, और इस साइड कितनी जाएगी 0.5, क्योंकि दोनों में रेजिस्टेंस कितना है, इसका रिजल्टेंट कितना आया था, इसका भी तो 80 आया था VL, तो 8 करके पर ने हाफ करा था, है ना। तो इसका भी 0.5, है ना। तो यहाँ पर आते आते भी कितनी हो गई 0.5 एम्पियर आ गई, है ना। ये कितना आ गया, अरे इसमें क्या दिक्कत आ गई, है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, है ना, देखिए इसको, है ना, एक मिनट, इसको क्या हो गया, हाँ, तो यहाँ से अब आपके पास कितनी आ रही है 0.5 आ रही है, है ना, 0.5 एम्पियर। अब यहाँ 0.5 एम्पियर भी इक्वल, क्योंकि ये 4 और 2 6 और 2 8 और 8, तो ये 0.5 भी क्या होगी, अगेन डिवाइड हो जाएगी आधे आधे में, तो 0.5 का आधा 0.25 एम्पियर और इसका आधा 0.25 एम्पियर जो इसमें आ रही है। तो इसमें जो करंट आ रही है वो कितनी आ रही है 0.25 एम्पियर, तो 4 ओम में कितनी आ रही है 0.25 एम्पियर, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, ये वाला नहीं। 3 ओम में कितनी जा रही है, 3 ओम कहाँ गया, 3 ओम में 1 एम्पियर करंट जा रही है, तो ये ऑप्शन करे गलत। फिर 3 ओम में 0.25 नहीं, ये भी गलत। 4 ओम रेजिस्टेंस में 0.5 ना, 4 ओम में तो 0.25 है, तो ये वाला नीचे वाला ऑप्शन देखो, नीचे वाला ऑप्शन आपको आ गया समझ में, है ना। 4 ओम रेजिस्टेंस में 0.25 करंट क्या हो रही, फ्लो हो रही, तो देखो कितना इस चीज़ को अपन माइन्यूटली ऑब्जर्व किया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ना। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, फिर भी कोई दिक्कत अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चलो ठीक।